नमस्ते, सलाम और आदाब। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो के लिए मैं बहुत अलग कुछ करने वाली हूँ, हिंदी में बात करने वाली हूँ। तो पूरा आज का वीडियो आज हिंदी में होने वाला है। ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी आती नहीं या मैं हिंदी में कुछ बात नहीं करती हूँ। ऑफकोर्स अपनी डे टू डे लाइफ में मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, बट YouTube के लिए मैंने हमेशा से इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज किया है। और हमेशा मेरे वीडियोस पे एक कमेंट तो होता ही है हर वीडियो पे कि आप हिंदी में बात क्यों नहीं करते हैं। तो आज उन सब लोगों के लिए 3 साल बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि ये वीडियो मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ। काफी ऊपर नीचे है, शुद्ध हिंदी तो मुझे आती नहीं बिल्कुल। एकदम जो रोज की रोज भाषा में हम बात करते हैं थोड़े इंग्लिश वर्ड डाल के, उसी तरह से मैंने आज बात की है। आई होप आपको पसंद आए, आई होप आप रिलेट कर पाओ। और मैंने काफी इन डेप्थ में मेकअप समझाया है, तो जिसको भी आज तक मेरे वीडियोस नहीं समझे होंगे, होपफुली फिंगर्स क्रॉस इंशाल्लाह समझ जाएंगे। अगर आप ये पूरा मेकअप लुक हिंदी में देखना चाहते हो, मुझे हिंदी में बात करते हुए देखना चाहते हो, तो प्लीज आगे देखते रहिए। ओके, तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए ऑफकोर्स मेरे चेहरे पे अभी कुछ भी नहीं है, तो तो पहले मैं मॉइस्चराइज करूंगी। कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, चेहरे पे बहुत ड्राई हो गई है स्किन। ये न्यूट्रीडर्म का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन है, तो मैं आज ये वापरने वाली हूँ। काफी टाइम से मैं ये यूज कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मॉइस्चराइजिंग भी है और स्टिकी बेस देता है, अच्छे से मेकअप इस पे चिपक जाता है और ज्यादा ऑयली भी नहीं लगती है स्किन। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा लगता है ये मॉइस्चराइजर से। अब क्वालिटेटिव टर्म्स हिंदी में कम पड़ रहे हैं, तो काफी रेपिटेशन होगा, बट बेयर विद मी। ये मॉइस्चराइजर इतना जल्दी से सेटल हो जाता है ना स्किन में, और इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। खुशबू एग्जैक्टली जॉनसन बेबी पाउडर की तरह है, तो जितनी बार मैं लगाती हूँ मुझे इतना नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग आता है। ओके, तो लोशन अच्छे से सिंक इन हो गया है, लिप बाम भी लगा लूंगी। तो आई एम यूजिंग कारमेक्स का लिप बाम। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मोस्टली मैं जो भी मैं इसी तरह यूज करती हूँ, बिकॉज लोशन लगाने के बाद हाथ बहुत चिपचिप हो जाता है। ये लिप बाम इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास जो है वो आप लगा सकते हैं। करंटली मैं ये वापर रही हूँ। अगली स्टेप के लिए मैं स्मैश बॉक्स का पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर वापरने वाली हूँ। तो बेसिकली प्राइमर इसलिए वापरते हैं ताकि आपका मेकअप आगे जो आप लगाने वाले फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर वगैरह हर चीज अच्छे से सेटल हो जाए आपकी स्किन में और ज्यादा देर तक चिपकी रहे आपकी स्किन को, और फिसले नहीं और पसीने में आपका मेकअप मेल्ट ना हो जाए, तो इसलिए प्राइमर लगाते हैं। मेरा प्राइमर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, काफी सालों से वापरा है मैंने ये प्राइमर, तो जो भी बचा कुछ है मैं सब वापर लेती हूँ। अभी कुछ तो निकल लिया, नया लेना पड़ेगा। आई नो ये काफी महंगा प्राइमर है, बट इतना अच्छा है और मैंने इतने साल से चलाया है इसको कि पूरा मैंने वसूल ही किया है इसका पैसा। ओके, तो मेनली इसी एरिया में फोकस करती हूँ मैं प्राइमर, बिकॉज सारा ऑयल्स जो निकलता है फेस में से इसी एरिया से निकलता है, तो इसी एरिया में आप खाली अप्लाई करके ऐसा दबा सकते हैं या तो मसाज कर सकते हैं कुछ भी, और बाकी जो भी थोड़ा बहुत हाथ में बचेगा हर जगह ऐसे स्प्रेड कर दीजिए। इससे क्या होगा, ज्यादा तेल नहीं निकलेगा चेहरे में से और फिर मेकअप पिघलेगा नहीं बहुत जल्दी दिन में। फाउंडेशन के लिए मैं पैक का HD फाउंडेशन वापर रही हूँ। मैं शेड 4.2 में हूँ। सब फाउंडेशन भी मेरे एक्चुअली खत्म हो चुके हैं। ये फाउंडेशन वेरी इजीली अवेलेबल है और नायका या पैक का स्टोर तो नहीं है अभी मुंबई में एनी मोर, आई थिंक हैदराबाद में जस्ट खुला है। और ये स्पंज इस प्लूम एंड को मिरेकल परफेक्ट स्पंज बहुत पसंद है, और ये भी इंडिया में अवेलेबल है अमेजोन पे, उनकी वेबसाइट पे। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में छोड़ दूंगी, और हर बार जैसे रखती हूँ वैसे ही। खाली अपने स्पंज से इस तरह आपको डैप करना है फाउंडेशन, ताकि आपकी पूरी स्किन पे अच्छे से स्प्रेड हो जाए, और जो भी बचता है उसको नेक पे भी खींच लीजिए। ये फाउंडेशन थोड़ा येलो है, काफी येलो है मेरी स्किन के लिए, बट इसके अंडरटोन्स काफी शेड्स है अवेलेबल इस फाउंडेशन में, लेकिन अंडरटोन्स थोड़े ऊपर नीचे है, तो बेटर रहेगा कि आप मैच करवा लो, लेकिन कोई स्टोर में अवेलेबल तो है नहीं, तो आगे पीछे का शेड भी मिला तो ओवर टाइम सेटल हो जाता है स्किन में, चल जाता है।
ओके अब मैं अपने फाउंडेशन से काफी सैटिस्फाइड हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप कंसीलर है। उसके लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का ये फोटो फोकस कंसीलर वापर रही हूँ। ये मीडियम शेड में है, ऑल्सो नोन एज डीप टैन, दो नाम है इस शेड को। तो कंसीलर बेसिकली इसलिए वापरते हैं कि आपके जो डार्क सर्कल्स है वो छुप जाए, और जो भी आपका सेंटर ऑफ द फेस है उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, और जो भी धब्बे हो गए या डार्क स्पॉट्स हो गए उसको छुपा सकते हैं। मैं जो कंसीलर वापरती हूँ मेरे फाउंडेशन शेड से थोड़ा लाइट होता है, ताकि मेरे फेस को थोड़ा डायमेंशन मिले, थोड़ा आकार मिले। बेसिकली ये वॉन्ड लेके जस्ट अप्लाई करना होता है अंडर द आईज। जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आप वैसा फॉलो कर सकते हैं। लिप्स के आसपास मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि काफी हाइपर पिगमेंटेशन है इस एरिया में, मतलब डार्क है काफी ये एरिया एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ माई फेस। इसलिए बाकी ये चेहरे के कंपेरिजन में ये एरिया कुछ ज्यादा डार्क है, तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा। इधर मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि जैसे मैंने बोला थोड़ा आकार आए, डायमेंशन आए अपने चेहरे को। और तो जब मैं ब्लेंड करूंगी आपको समझ जाएगा कि कैसा चीक बोन्स, ये जो बोन्स है इधर की हड्डियां थोड़ी लिफ्टेड लगते हैं, चेहरे को काफी स्ट्रक्चर मिलता है इस तरह कंसीलर लगाने से, तो इन सारे एरियाज में जिस तरह मैंने लगाया है। अब उसी स्पंज की मदद से ये जो पॉइंटेड पार्ट है उसके साथ मैं ये सब ब्लेंड कर दूंगी। जिस तरह आप देख सकते हैं काफी जो डार्कनेस थी सब अब कैंसिल हो गई है और थोड़ा डायमेंशन भी मिल गया। 15 मिनट तो मैं अपने बेस पे ही स्पेंड करती हूँ, तो अच्छे से अगर ये पार्ट आपका अच्छे से हो जाए आगे का मेकअप तो फटाफट हो जाता है। मेरा फेस सेट करने के लिए मैं मिनी सो का मिनी पोनी सेटिंग पाउडर यूज कर रही हूँ इन द शेड 03 वॉर्म न्यूड। मिनीसो तो अभी काफी जगह पे आ चुका है ऑल ओवर इंडिया, तो काफी इजीली अवेलेबल है इनके मेकअप प्रोडक्ट्स। ये पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना स्पंज से पाउडर लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा पाउडर करना अच्छा नहीं लगता। खाली जहां जहां मैंने कंसीलर बिठाया है वहां मैं अपना पाउडर लगा देती हूँ और फिर उसके बाद उसको डस्ट कर देती हूँ। तो उसी मोशन में, बाउंसिंग मोशन में पाउडर प्लेस करना है, और वो हो जाने के बाद एक ब्रश लेके मैं जितना भी पाउडर है सब डस्ट ऑफ कर देती हूँ और निकाल देती हूँ चेहरे पे से। एक मतलब एक बार घुमा देना है ये ब्रश अपने चेहरे पे, तो इधर का पाउडर उधर हो जाएगा, पूरा फेस सेट हो जाएगा और एक्सेस पाउडर भी नहीं होगा, तो बहुत पाउडर्ड फेस नहीं लगेगा। बेसिकली ब्रॉन्जर के लिए मैं निक्स का ब्रॉन्जर वापर रही हूँ, ये शेड मीडियम में है। अब निक्स एक ऐसी कंपनी है, वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज है, ब्रांड्स है मेकअप का, और ये अवेलेबल है नायका पे। और इंडियन कंपनी नहीं है बट बहुत अच्छा मेकअप बनाती है और रेंज भी कुछ मिड रेंज में ही है। मेरा ब्रॉन्जर काफी टूटा हुआ है, मेरी काफी मेकअप प्रोडक्ट्स टूटे हुए हैं, बट जिस तरह है चल रहा है वैसे हम काम चला लेते हैं। ये पैक का ब्रश है, तो मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जर अपना जो बचा हुआ है वो लेती हूँ। और ब्रॉन्जर बेसिकली इसलिए यूज करते हैं ताकि आपके चेहरे को, अब इतना सफेद लग रहा है मेरा चेहरा, कुछ कलर नहीं है उसको, भूत जैसा लग रहा है, तो उसको थोड़ा वार्म्थ और स्किन टोन में लाने के लिए और थोड़ा शेप देने के लिए ब्रॉन्जर यूज करना है। तो एग्जैक्टली जहां मैंने इधर कंसीलर लगाया था उसके ऊपर मैं ब्रॉन्जर के लिए ब्रश घुमाती हूँ, थोड़ा पैट करना है और फिर थोड़ा ब्लेंड करना है। तो थोड़ा सा ब्रॉन्जर लगाने से चेहरे में काफी जान आ जाती है। अब थोड़ा और कलर ऐड करने के लिए ब्लश लगाना है। इससे तो आप सभी काफी वाकिफ हो गए, ब्लश तो सभी लगाते हैं, तो रूज बोलते थे पहले मम्मी लोग, रूज। ब्लश के लिए मैं वेट एंड वाइल्ड का कलर आइकॉन ब्लश और शेड मेलो वाइन है वो वापरने वाली हूँ। ये भी टूटा हुआ प्रोडक्ट है, आप ज्यादा उम्मीद मत रखिए मेरे मेकअप से, काफी चीजें टूटी हुई है, तो कुछ कर नहीं सकती उसके बारे में। मैं अपने पैसे से खरीदती हूँ तो मैं वेस्ट नहीं जाने दे सकती। इस ब्रश के साथ जो भी थोड़ा मिलता है पाउडर उसको डस्ट कर देती हूँ मैं, तो एक्सेस पाउडर जो भी होगा वो निकल जाता है ब्रश पे से, और एग्जैक्टली चीक्स पे लगाना है। वो स्माइल ऑयल करने की जरूरत नहीं होती है, जिस तरह आप वीडियोज में देखते होगे वैसा सब करने की कोई जरूरत नहीं। जहां पे आपके चीक्स आपको लगते हैं
कलर आपको ऐड करना है इधर ब्रॉन्जर और आईज के बीच में, ये एरिया में ब्लश अप्लाई करना है। अब आ रही है हाइलाइटर की, ये मेरा फेवरेट स्टेप है, इससे काफी ग्लो आता है चेहरे पे, निखार आता है चेहरे पे। तो मैं Maybelline का मास्टर क्रोम हाइलाइट शेड मोल्टन गोल्ड में आज मैं यूज करूंगी। हाइलाइटर मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट स्टेप है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरी स्किन ऐसी दिख रही है जिस हाइलाइट लगाने से कितना ग्लो आ जाता है स्किन पे, आई लव इट, इट्स एब्सोल्यूटली माई फेवरेट स्टेप। और ये हाइलाइटर काफी स्ट्रॉन्ग है, इस पे पूरा रिव्यू वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया में अवेलेबल है ये, नायका पे Maybelline के हर प्रोडक्ट्स इंडिया में मिल जाते हैं इजीली। बट इस स्टेप के बाद मैं मोस्टली अपना फेस सेट करती हूँ, तो सेट करने के लिए NYX Cosmetics का ड्यूई फिनिशिंग सेटिंग स्प्रे, ये पूरा स्प्रे कर दूंगी मैं अपने फेस पे। इससे क्या होगा कि जो भी मेकअप मैंने लगाया है अच्छी तरीके से और टिका रहेगा मेरे चेहरे पे। अब ऑफ कोर्स मेकअप लगा के हम बाहर जाएंगे, इवेंट अटेंड करेंगे, शादियों में जाएंगे, तो काफी पसीना धूप वो सब लगने से आपका मेकअप पिघल जाता है और इवेंट के एंड तक अच्छा नहीं दिखता है। मेकअप को कैसे लास्ट करवाना है उस पर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, बट वो कम्प्लीटली इंग्लिश में है तो बट आप देख सकते हैं, रिफर कर सकते हैं। उसके बाद मैं स्पंज से खाली उठा लेती हूँ कुछ भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा, कुछ ज्यादा लग गया होगा, कम लग गया होगा, कहीं कोई एरिया में ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो वो इस पे अब उठ जाएगा। ओके, तो फेस मेकअप इस डन, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ तो आई मेकअप पे फोकस कर सकते। ओके, तो पहले आईब्राउ से शुरू करते हैं। मैं मिनी सो की आईब्राउ पेंसिल यूज कर रही हूँ, शेड है 02 डार्क ब्राउन। मेरी माशाल्लाह से अच्छी आईब्राउज है तो मैं खाली भर देती हूँ, जो भी बॉल्ड या जहाँ बाल नहीं है वो एरिया में मैं थोड़ा कलर भर देती हूँ और थोड़ा शेप दे देती हूँ। इसी ब्रश में दूसरे साइड पे, इसी पेंसिल में दूसरे साइड पे इस तरह का ब्रश है जो अलग से भी मिलता है। इससे क्या होगा कि अब जब मैं ऐसा कोम करूंगी मेरे हेयर्स को, तो जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा वो बराबर सेटल हो जाएगा बालों के बीच में, और कुछ प्रोडक्ट एक्सेस में ही पड़ा है तो वो निकल जाएगा। तो ऐसा ब्रश अगर आपकी पेंसिल पे नहीं है तो आप अलग से भी ले सकते हैं, बहुत सस्ता मिलता है, स्पूली ब्रश बोलते हैं उसको मार्केट में। नायका का जस्ट विंकिट आई शेडो पैलेट, शेड है क्रश्ड बेरीज, कुछ इस तरह से दिखता है, छोटा सा आई शेडो पैलेट है और इसमें आईना भी है, ऑफकोर्स nayka.com पे अवेलेबल है ये। ओके, तो थोड़ा ब्राउन और गोल्ड पे फोकस करते हैं, काफी पिंक पिंक कर लिया है, पूरा यूट्यूब चैनल अभी मेरा पिंक से भरा हुआ है, तो ये ब्राउन शेड मैं वापर रही हूँ। काफी पिगमेंटेड है ये आई शेडो, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इंडिया में अवेलेबल भी है तो आप सब भी एक्सेस कर सकते हैं उसको। आज मैं सब इंडियन प्रोडक्ट्स की इसलिए इतना बात कर रही हूँ क्योंकि हिंदी वीडियो इंडियंस के अलावा कोई देखने नहीं वाला है, तो इसलिए सारे इंडियन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट चल रही है, कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, कुछ भी उन्होंने मुझे भेजा नहीं है, सब मैंने अपने पैसे से खरीदा है इसलिए सब टूटा फूटा सा है। आई शेडो ब्लेंडिंग काफी टीडियस हो सकता है तो उस पर अगर आपको चाहिए मैं अलग वीडियो बनाऊँ तो मैं बना सकती हूँ, कमेंट्स में बता दीजिए मुझे, बट अभी तो मैं खाली ब्रीज थ्रू कर रही हूँ, कितना टाइम नहीं, काफी लंबा हो गया होगा ये वीडियो ऑलरेडी। नेक्स्ट ये डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, थोड़ी पैकिंग टेंस, मतलब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड ब्रश है ये, थोड़ा मोटा है, बेसिकली मोटा है, छोटा है, 203 है पैक का। ये डार्क ब्राउन शेड लेके साइड में लगा रही हूँ अपनी आईज के, तो आउटर कॉर्नर थोड़ा डार्क होगा। अब एक साफ ब्रश जिसपे कुछ भी शेड नहीं हो, कुछ भी कलर नहीं हो, वो लेके ये सब ब्लेंड कर लें। अब ये जो गोल्डन शेड है मैं अपनी उंगली पे लूंगी, काफी पिगमेंटेड है, अपने आईलिड के बीचों बीच लगाऊंगी इसको मैं। आई शेडो करने की काफी टेक्निक्स होती है, आपको जो कंफर्टेबल है आप यूज कर सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टेक्निक है जो मैं वापरती हूँ। 3 स्टेप्स है काफी, और 3 स्टेप्स है खाली और बाहर जाने इजी पड़ता है,
फटाफट से हो जाता है। वापस वो साफ ब्रश जिसमें कुछ भी नहीं है वो लेके सब ब्लेंड कर दे रहे। अब मैं काजल लगा रही हूँ। ये के ब्यूटी कैटरीना कैफ का नया ब्रांड है और नायका पे अवेलेबल है। ये ब्रांड सिर्फ नायका पे अवेलेबल है और नायका की दुकानों में अवेलेबल है। काफी अच्छा काजल है, मुझे बहुत पसंद है। सिर्फ 239 ऐसा कुछ है इसका प्राइस। अपनी वॉटर लाइन मतलब नीचे की आईज पे काजल आप कहाँ लगाते हैं ना वहीं पे लगाते हैं। ये काजल से मैं ऊपर आईलाइनर की जगह पे भी ड्रॉ कर रही हूँ लाइन। अब जहां काजल लगाया नीचे की लाइन पे उधर भी थोड़ा सा आई शैडो लगाना है ताकि कंप्लीट लगे आईज आपकी। तो वो सेम शेड जो मैंने इधर लगाया था और लाइट ब्राउन वाला वो मैं इस पतले ब्रश पे ले रही हूँ और नीचे लगाऊ। ओके, तो सेम हाईलाइट और मेबलिन का जो मैंने वापरा था वो इसे पतले पतले से ब्रश पे थोड़ा सा लेके अपने आईज के इनर पोर्शन में लगाना है इस तरह। इससे आपकी आईज थोड़ी ब्राइट लगेगी, ओपन लगेगी, ज्यादा छोटी नहीं लगेगी। और इस तरह ब्राउ बोन पे भी लगाना है, ब्राउ बोन के नीचे मतलब आपकी आईब्राउज के नीचे वाली बोन। मस्कारा के लिए मैं NYX Cosmetics का वर्थ द हाइप मस्कारा यूज करने वाली हूँ। ओके, मस्कारा लग चुका है। मैं फॉल्सीज लगाने वाली हूँ, नकली लैशेज लगाने वाली हूँ। और ये लैशेज है ग्लोमियर ब्यूटी से, ये इंस्टाग्राम कंपनी है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये मैं ऑफ कैमरा करूंगी क्योंकि ये काफी मुश्किल है, तो वीडियो का पार्ट नहीं होगा, वो लगा के मैं वापस। ओके, तो अब मैंने लैशेज लगा दिए हैं, उससे काफी आपकी आईज ड्रामेटिक लगती है बहुत। ड्रामेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नाटकी, आई डोंट नो। और ये इयररिंग्स जो मैं कोलकाता से लेके आई थी, अब लिपस्टिक लगाना ही बचा है और कुछ बचा नहीं है। तो लिप लाइनर के लिए मैं फेसेस का लिप कॉन्टोर वापर रही हूँ इन द शेड कैफे लाटे। ये अनफॉर्चुनेटली अब आउट ऑफ स्टॉक है, मिलता नहीं है अब फेसेस के कंपनी में ही। अब लाइन कर दिया है, बाहर की लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। आपकी लिप बहुत पतली है तो इससे आपका लिपस्टिक एप्लीकेशन थोड़ा बेटर होगा, इसलिए लिप लाइनर वापरना बेटर है। मैं मोस्टली नहीं वापरती हूँ, अगर लिपस्टिक बहुत लाइट है मेरी स्किन के लिए तो मैं ये डार्क लिप लाइनर वापरती हूँ, तो मेरी स्किन पे ज्यादा सफेद नहीं लगती है वो लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं नायका की अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड मोनालिसा वापरने वाली हूँ। ये शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा सा मेरी स्किन को सूट नहीं करता, तो इसलिए ये डार्क लिप लाइनर से काम बन जाता है। तो ये हो गया कंप्लीट। इससे मेरा फुल फेस मेकअप, पूरे चेहरे का मेकअप कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सबको ये बहुत अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली हो और आप रिलेट कर पाए हो, बिकॉज जो भी मैंने वापरा है सब इंडिया में अवेलेबल है। और ऑफकोर्स मैंने हिंदी में बात की है तो सभी लोगों को समझेगा अब। प्लीज मेरे इंग्लिश वाले वीडियोज पे कॉमेंट ना कीजिए और बोलिए कि आप भारत को बिलोंग करते हैं तो सिर्फ हिंदी में बात करो, इंग्लिश तो अंग्रेज की भाषा, ये सब लाइक एट दिस पॉइंट हम ये 21st सेंचुरी में भी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मोस्टली मेरे वीडियोस इंग्लिश में ही होंगे, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि एक महीने में एक बार हिंदी में वीडियो बनाऊं। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ये लाइक बटन जो नीचे है उसको क्लिक कीजिए, उसके बाजू में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए तो आप मेरी फैमिली का पार्ट बन जाएंगे, और उसके बाजू में एक बेल बटन है उस पर भी क्लिक कीजिए तो जब मैं वीडियो डालूंगी आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। कॉमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरी हिंदी कितनी अच्छी और कितनी बुरी है। और जो भी आपको खरीदना होगा लिंक्स मैं नीचे वाले डिस्क्रिप्शन डिब्बे में छोड़ दूंगी। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी अगले संडे, बट वो इंग्लिश में होगा। तो बाय गाइज, लव यू ऑल।